हेलो फ्रेंड्स, तो भाई मैं हूँ वेदांत चौधरी। आज हम बात करने वाले हैं ह्युंडई एसएक्स वर्ना 1.5 लीटर डीजल इंजन के बारे में, जो उसके रिव्यू के बारे में बात करेंगे, उसके ओनरशिप से भी रिव्यू लेंगे, और आज उसके फीचर्स वगैरह की भी बात करेंगे, और प्राइजेज के बारे में भी बात करेंगे। तो चलते हैं गाड़ी की तरफ। तो गाइस, ये रही ह्युंडई वर्ना एसएक्स डीजल 1.5 लीटर। तो गाइस, इसके पहले फ्रंट लुक की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें आपको प्रोजेक्टर्स मिल जाते हैं, साथ में डेलाइट यहाँ आपको यहाँ पर मिल जाता है, और स्पोर्टी लाइट मिल जाती है। आप नीचे देख सकते हैं, पियानो ब्लैक में आपको प्रोजेक्टर फॉग लैंप मिल जाते हैं, साथ में आपको नीचे क्रोम गार्निश भी मिल जाती है, और ग्रिल भी आपको डार्क क्रोम गार्निश में मिल जाती है। फिर अगर पीछे की बात करते हैं अभी, तो गाइस पीछे से अगर देखें तो पीछे से आपको यहाँ पर नीचे रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं और क्रोम गार्निश मिल जाती है, साथ में आपको चार रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर आप देखें तो वेंट्स मिलते हैं जिससे गाड़ी का लुक स्पोर्टी बनता है। आप साइड से देखेंगे तो गाड़ी स्पोर्टी लुक देती है, और आपको एसएक्स की बैजिंग मिल जाती है, साथ में आपको हाई बीम लाइट यहाँ पर नीचे की तरफ मिलती है, और जो रियर डिफॉगर यहाँ पर कांच पे मिल जाते हैं, और ऊपर की तरफ देखें तो आपको शार्क फिन एंटीना मिलती है, और साथ में आपको सनरूफ भी मिलता है, पावर सनरूफ आप देख सकते हैं। इसके इंजन के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इंजन बे कुछ इस तरह से मिलता है, और यहाँ पर आपको CRDI 16V करके एक कवर मिल जाता है इंजन के ऊपर। 1.5 लीटर का डीजल इंजन आता है इसमें, साथ में आप इसके एवरेज के बारे में बात करें तो 25 का एवरेज देती है, और पेट्रोल गाड़ी 17 का एवरेज देती है। इसमें 45 लीटर्स का फ्यूल टैंक भी आता है, और यहाँ पर देखें तो इंजन का कूलेंट मिल जाता है। इसके टॉर्क और BHP की बात करें तो 113 का BHP जनरेट करता है, और 250 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क जनरेट करता है। ये डीजल इंजन का था। अब चलते हैं बूट स्पेस की तरफ। गाइस आप देख सकते हैं, अभी हम बूट खोलने वाले हैं, तो ये बूट ओपन कर चुके हैं अपन। यहाँ पर देख सकते हैं आपको 480 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है इन गाड़ी में, तो आप ज़्यादा सामान रख सकते हैं इसमें। साथ में नीचे आपको स्टेपनी नीचे मिल जाती है, और इसके साइड लुक की अब बात करते हैं। तो गाइस, इसके साइड से बात करें तो आपको इसमें वेदर स्ट्रिप क्रोम से मिलती है, साथ में आपको डोर हैंडल भी क्रोम गार्निश के साथ मिलते हैं, आपको यहाँ पर एक स्ट्रिप भी मिलती है दरवाजे पे, और साइड मिरर जो है बहुत स्टाइलिश मिलते हैं आपको, ये मोटर पे रहते हैं, और की लॉक एंड अनलॉक के साथ ये भी ओपन एंड ऑफ होते हैं। और अलॉय व्हील की बात करें तो आपको इसमें अलॉय व्हील मिलते हैं, साथ में 195/55 R16 इंच के टायर मिलते हैं, इसमें ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। तो ये थे साइड लुक की बात, अब चलते हैं अंदर की तरफ। तो गाइस, अंदर जाने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर आपको SX मॉडल में आपको टच भी मिलता है जिस गाड़ी लॉक एंड अनलॉक करने के लिए। तो ये था बाहर की बात, अब चलते हैं अंदर की तरफ। तो गाइस, अभी हम अंदर आ चुके हैं, आप इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देख सकते हैं, साथ में आप इसके स्टेयरिंग व्हील पे देख सकते हैं बहुत सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं,
इसमें दो एयरबैग आते हैं, ड्राइवर और को ड्राइवर साइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टच स्क्रीन वाला एंड्रॉयड प्ले सिस्टम आता है, साथ में ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल्स आते हैं, ये स्टार्ट और स्टॉप का बटन आता है। देख सकते हैं अभी मेरे पास चाबी नहीं है तो ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो और आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें 6 गियर दिए गए और रिवर्स गियर यहाँ पे। बहुत से लोगों को डाउट होता है जो भी दूसरी गाड़ी चलाते हैं जिसमें 5 गियर रहते हैं, वो उनको डाउट आता है कि इसमें रिवर्स गियर डालना कैसे, कैसे पता चलेगा कि रिवर्स गियर में डाला है और फर्स्ट गियर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको लीवर मिलता है जिसको ऊपर करते ही ये रिवर्स गियर में चली जाती है। तो गाइस ये था रिवर्स गियर में, और जैसे ही लीवर नहीं खींचते तो यहाँ पे जाती है, आप देख सकते हैं इसको करते ही यहाँ पे करते ही ये ज़्यादा मुड़ता है देख सकते हैं, और ना करने पे ये बस इतना ही मुड़ता है। तो ये था, ये जिन लोग को पता है उनके लिए अच्छा है, जिनको नहीं पता उनके लिए था। और यहाँ पर आप देख सकते क्रोम से क्रोम टिप मिलता है हैंड ब्रेक पे, साथ में आपको यहाँ पर रिवर्स कैमरा यहाँ पर मिलता है, और यहाँ पर आपको सनग्लासेस रखने के लिए जगह मिलती है, और यहाँ से आप सनरूफ ओपन एंड ऑफ कर सकते हैं। तो गाइस अभी बैक सीट पे आते हैं, बैक सीट पे देखिए तो आपको अच्छा खासा लेग स्पेस मिल जाता है और हेडरूम भी अच्छा खासा मिल जाता है, और डोर में आप देख सकते हैं 1 लीटर का वाटर होल्डर दिया गया है। तो ये थी पीछे की। तो गाइस इसकी चाबी हमें मिल चुकी है, आप देख सकते हैं इसमें कीलेस एंट्री आती है जो मैंने पहले भी बताया था आपको। तो अभी मैं आपको इसके इंटीरियर के इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर बताऊंगा, देख सकते हैं जैसे कि मैं अभी गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं इसमें इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर कैसा आ रहा है। और तो ये था इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, और ये इसका ऑडियो सेटअप चालू हो चुका है, और इसको वापस दबाते ही गाड़ी बंद होगी। और इसने दिया है एवरेज के बारे में बताया गया है, और इसके अभी डे लाइट ऑन करके देखेंगे हम। तो गाइज इसके डे लाइट दिखाता हूँ अभी, डे लाइट आप देख सकते हैं इसके डे लाइट कुछ इस तरह से नज़र आते हैं जो गाड़ी को स्पोर्टी बनाते हैं, साथ में प्रोजेक्टर लाइट्स देख सकते हैं आप, और इसमें आपको पार्किंग लाइट कुछ इस तरह से ट्रायंगल में दिखे दिए जाते हैं, और पीछे से देखें तो पीछे से इसके लाइट कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। तो ये था वरना का रिव्यू। तो गाइज अभी हम इसके प्राइस के बारे में बात करें, तो वरना का प्राइस है करीब 9.36 लाख से लेके 15.36 लाख के पास। तो ये SX मॉडल है, ये 12.5 लाख का आता है गाड़ी। तो एक्स शोरूम प्राइस आप देख लेना, जो प्राइस आपके यहाँ पर है वो चेक कर लेना, ये वापी का प्राइस था, ये मैंने वापी का प्राइस बताया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, और शेयर भी करते ही रहना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस इसके सनरूफ के बारे में बात करें तो सनरूफ खोल नहीं रह गई, तो यहाँ पर गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और अभी सनरूफ खोल के देखते हैं। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सनरूफ खोलनी चालू हो गई। तो ये थी सनरूफ, और अभी मैं इसको बंद करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये सनरूफ बंद हो रही है, और इसको मैन्युअली बंद करना पड़ेगा। तो ये थी सनरूफ की बारी, और यहाँ पर आपको लाइट दो मिलते हैं जो कि ऑफ में फिलहाल, और रिवर्स की बात करें तो देखो मैंने फर्स्ट गियर डाल दिया। तो ये यहाँ पर खींचने के बाद ये रिवर्स लगता है, आप देख सकते हैं रिवर्स कैमरा नीचे दिया गया है, नीचे लगा दिया गया है रिवर्स कैमरा। तो ये था रिवर्स कैमरा, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं यहाँ पर भी रिवर्स कैमरा आ जाता है। तो ये था गाड़ी की बात, अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।